दोस्तों अभी मैं डीसी ऑफिस के प्रांगण में अभी अति हो रहा है और ये यहाँ पर हमारे पास बिरसा उराव किया है जो का ये शॉप है और ये जो खटिया आइटम जो होता है भूसा है बर्रा है और कचरी ये सारा चीज़ ये बना कर और ये सुबह में आते हैं बहुत सुबह में आते हैं 8 बजे के आसपास आते हैं और ये दिन भर इसी को बेचने का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये हम देखते हैं कि ये बैंगन जो ये चने का दाल से बनता है और जो चने का दाल से बनता है वो आप लोग से कचरी बनता है, उड़द का दाल से ये बनता है, इससे बड़ा बनता है और ये चावल और उड़द के चावल और उड़द ये उसका बनता है। तो हम लोग टेस्ट करके आपको बताते हैं कि स्वाद इसका कैसा होता है। तो हम लोग को आप खिलाएंगे उसका और बर्रा बढ़िया सदर के दे हाँ बढ़िया सदर अलग एक निमा धुसका मुखा गे मुरुख एम वाला गलगे अच्छा आरिसन रोज एम बरदाय रोज बरदन अच्छा ठीक रही इंदर इंदर नामे निमाए अदिन तें के चिके या नामे सविता कच्छा अच्छा नामे अनिसा तिकिया ठीक रही और बरके और इसन बढ़िया बनी तो प्रचार नाम के नामाए कुड़खर की दुकान तो इसको मैंने बोल दिया सर कि ये लोग बहुत बोल रही है कि हमें बहुत अच्छा लगता है हम लोग यहाँ हमेशा आते हैं खाने के लिए और बहुत अच्छा है दूसरा सब्जी का टेस्ट। आप बताइए दीदी आपका क्या नाम है अभी का होटल है हाँ। अच्छा क्या क्या बनाते हैं कचरी बनाते हैं भरा बनाते हैं दूसरा बनाते हैं समोसा बनाते हैं कचौड़ी बनाते हैं रल चापी सब बनाते हैं पकौड़ी सब और ये सब आइटम बनाते हैं। सी पक्के कर लेना दोस्तों मैं इस स्टॉल पे आके यहाँ का बना हुआ बर्रा जो झारखंड में प्रायः खाया जाने वाला ये डिश है और विशेषकर ये खासकर नाश्ते में खाया जाता है या शाम के समय जो स्नैक्स में है ये स्नैक्स में खाया जाता है और कलर लेकिन जब हम इसको खाते हैं तो मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि स्वाद इसका कैसा है। उसका जो स्वाद है वो ये उड़द से बनाया जाता है और इसका जो स्वाद है ना वो बाकी बाजार में मिलने वाले उड़द से बना हुआ जो बर्रा होता है वैसा नहीं है, ये बिल्कुल ही अलग होता है। इसके लिए उड़द आप लोग कहाँ से लाते हैं? तो ये जो है लोकली यहाँ पे प्रोड्यूस होता है तो उस उड़द से ये बनाया जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट है। कभी भी आप लोहरदगा आएँ या झारखंड में कहीं भी आए खासकर जो छोटा नागपुर रीजन है जो झारखंड का वहाँ पे आपका ये बर्रा उसका और कचरी ये तीन चीज़ आपको हमेशा हर एक दुकान में मिलेगा। आप ज़रूर इसका स्वाद चखिए और इसे सब्जी के साथ साथ चाय के साथ खाया जाता है। आप लोग खाइए आप लोग इसका स्वाद बताइए दीदी। बहुत टेस्टी है बहुत ही टेस्टी है। दुकान के एम रोज दिन आइया मौका बरदम मोरो के मला जी भैया और बहन रो और दादा वगैरह नींबू मोखा बरके और मोके के टेंके के काने लगी इस तला बरा और उसका गुठी। तो मैं हिंदी में बता देती हूँ ये बहन लोग बोल रही है
कि आप लोग जब भी लोहरदगा आइए, समरनालय गेट के सामने दुकान है आदिवासी दादा भौजी लोग का, तो उस दुकान में आप आइए और धुसका बरा चाय का स्वाद जरूर लीजिए, बहुत टेस्टी होती है, हम लोग हर रोज आते हैं खाने के लिए, ऐसा बोल रही हैं। और इस जायके के साथ धन्यवाद दोस्तों।